और अभी उन्होंने शाइस्ता के लिए कहा कि वो सरेंडर कर दें, नहीं तो एनकाउंटर हो जाएगा। इस तरह की बात, क्या शाइस्ता का नाम अगर शिखा होगा तब भी आप यही बात करेंगे? ये देश संविधान से चलेगा या ठोकर हाथ से चलेगा, गोली बंदूक से चलेगा, वोट से कि नाजायज औलादे इसी तरह मत बोलिए। और आपको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूं, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द, आपको ये कोई गली मुंह पर के आपका लोगों ने यही कहा, निकालिए इनको। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत, जब आपकी बारी नहीं हो पीछे मत हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वायरल डिबेट शो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाले आज तक के शो हल्ला बोल का, जिसके अंदर दोस्तों शोएब जमाई और अंजना ओम कश्यप के बीच में आपको काफी तीखी बहस इस डिबेट में देखने को मिलेगी। शोएब जमाई इस डिबेट के अंदर कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात बोल देंगे जिस वजह से डिबेट के एंकर अंजना ओम कश्यप उन पर भड़क जाएगी। आगे दोस्तों अब क्या होता है इस वीडियो के अंदर आप खुद ही देखिए, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन ये गलत बात है कि ऐसे शख्स के लिए शहीद हुआ नारे लग रहे थे पटना में। नहीं, अगर कोई नारे लगा रहा है गलत है तो निश्चित नारे को कोई एंडोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर का समर्थन कर रहे हैं वो मिनिस्टर लेवल के लोग, उनको भी एंडोर्स नहीं करना चाहिए। क्या ये बताइए, या तो ये कह दीजिए कि हमने प्रीप्लांड मर्डर कराया और इसका श्रेय हम लेते हैं, बीजेपी खुल करके बोल दे। ये कैसे संभव है कि सीधा जाकर के पुलिस कस्टडी में कोई आतंकी हत्या कर देते हैं और अभी इन्होंने शाइस्ता के लिए कहा कि वो सरेंडर कर दें, नहीं तो एनकाउंटर हो जाएगा। इस तरह की बात, क्या शाइस्ता का नाम अगर शिखा होगा तब भी आप यही बात करेंगे? 100 लोग ऐसे हैं जो माफिया है उत्तर प्रदेश में, जो सरकारी सूची है, क्या 100 के 100 पे समान प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करें तो समझ में आएगा? राजनीति के मुसलमानों, शाइस्ता ने शिखा होती तो बोलते। 183 अपराधी उत्तर प्रदेश में इहलोक से परलोक की यात्रा की है उन्होंने, 183 में से केवल 59 हैं जो मुस्लिम थे, बाकी 124 ऐसे अपराधी हैं जो हिंदू हैं। किसी हिंदू ने आवाज उठाई क्या? आदित्य राणा बिजनौर में अभी उसका एनकाउंटर हुआ है, किसी ने आवाज उठाई क्या? अरे साजाब चौहान, ये चश्मा उतार दो, ये चश्मा पहनने से आपको केवल वही मजहबी दिखाई पड़ता है, ये चश्मा बदलिए भाई, किसी अच्छे चश्मे के 100 पे कार्रवाई करवाइए, चश्मा अपना बदल जाएगा, पूरी जनता देख लेगी। 100 के 100 माफिया को खत्म कराइए। क्या आप चाहते हैं एक माफिया मरे और 99 बचे? अगर आप चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, पूछिए कोई चाहता है माफिया बाकी रहे? एक भी माफिया नहीं बचेगा, चश्मा हटाना पड़ेगा। ये अपना जो नारंगी चश्मा उसको उतारिए और ये पहन लीजिए, बहुत साफ तो लगाते नहीं है, साफ साफ दिखेगा बिल्कुल, और साफ दिख रहा है कि नैतिकता की बात वो लोग कर रहे हैं जो आतंकियों को संसद में भेज दिए। जब आप इस तरह के आतंकियों की जो धार्मिक नारा लगा के किसी को मार देता है उसका महिमा मंडन करते हैं, तो समाज में अपराधी और आतंकी नहीं पैदा होंगे, आतताई नहीं पैदा होंगे, तो क्या होंगे आप ही बताइए। संगीत रागी जी, क्या सवाल तो कीजिए। वो सवाल जो उन्होंने बोला है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों को आप संरक्षण देंगे, कोई हिंदू महासभा से कहेगा कि हम तो भाई इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तीनों जिन्होंने मारा है, तो आप एक कट्टरवाद को देश में जन्म दे रहे। देखिए, एक कहावत है, सठम साठम समाचरेत, दुष्ट को दुष्टता से ही ये जवाब दिया जाना चाहिए। बालिका वध भी भगवान राम ने सीधे नहीं किया था, महाभारत के जितने बड़े बड़े पात्र थे कृष्ण ने सबको छल से ही मारा था, तो मुझे नहीं मालूम है कि इसमें छल का प्रयोग किया गया है या अच्छा, नहीं तो आप ये मर्डर्स जो हुआ उसको जस्टिफाई करने के लिए महाभारत लेके मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं कि अतीक की जिस प्रकार से हत्या हुई वो बिल्कुल ठीक किया गया। ऐसे आदमी को जिसको 10-10 जज जिसका केस सुनने से मना कर दे, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पीढ़ी के आप नौजवान हैं। आप पुलिस कस्टडी में मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सुनिए ना, मेरी आप इस देश में प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं, आप सुनिए मुझे, बोल लेने दीजिए, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, बोल लेने दीजिए, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। देश का प्रधानमंत्री भी मारा गया है, नहीं जस्टिफाई कर रहा, आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री भी मारा गया है पुलिस में रहने के बाद। नन्हे जादव जो है वो पुलिस संरक्षण में था वहां पे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मारा गया था। मिस्टर सूरी जो है वो पंजाब, अंजना जी कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो उसको यहां से सजा देने का लेकिन हुक्म जो है वो अदालत देगी, लेकिन वो उसके जिम्मे है। ये देश संविधान से चलेगा या ठोकर हाथ से चलेगा, गोली बंदूक से चलेगा, गोड से की नाजायज औलादे इसी तरह में मत बोलिए, और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। जो कार्य बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, हिंदू महासभा, आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द, आपको ये कोई गली मुकड़ के आपका लोगों ने यही कहा, निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको वार्न किया। एक सेकंड आप रुकिए,
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत, जब आपकी बारी नहीं हो बीच में मत बोलिए। ये गोडसे वाद को जस्टिफाई किया, ये आप घर में ऐसे बातें करते हैं ना जाए बताइए ना, गोडसे व्हाट आर यू डूइंग, गोडसे वाद को जस्टिफाई किया जाएगा। आप वेट कीजिए अपनी बारी का, मैं भी उनको काउंटर कर रही हूँ पर शालीन तरीके से। अगर आपके तर्क में दम है तो आपको ना अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और ना ही चीखना होगा, प्लीज सर। धन्यवाद। देख लो दोस्तों, डिबेट का स्तर क्या हो चुका है। ऐसे लोगों को बुलाओगे तो डिबेट का स्तर यही होगा। शोएब जमाई और शदाब चौहान जैसे लोगों को बुलाओगे तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं हर एक डिबेट के अंदर ये लोग इसी स्तर पे बातें करेंगे और करोड़ों लोगों का दिमाग खराब करेंगे और टाइम बर्बाद करेंगे। कुछ है नहीं इनके पास बोलने के लिए भाई। ये वही कोट करेंगे गोड से, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर कार्रवाई क्यों, गुंडों में भी इन्हें धर्म दिखने लग जाता है। शदाब चौहान ने बोला शाइस्ता है ये, तो अगर शिक्का होती तो क्या कार्रवाई होती, तो जो विकास दुबे था वो कौन था सर, बता के भी चले जाया करो। ये भी कभी नहीं बताएंगे, राजनीति कैसे, राजनीति खत्म हो जाएगी ना, फिर हम राजनीति कैसे करें भैया। सरकार को घेरना है हमें, तो हिंदू मुस्लिम तो हमें करना ही है, मुसलमानों को गुमराह करना ही है। ये लोग भैया सभी लोगों के लिए हानिकारक है, मैं तो ये मानता हूँ। जितने ये हिंदुओं के लिए हानिकारक नहीं है ना, उससे ज़्यादा ये मुसलमानों के लिए हानिकारक लोग हैं, क्योंकि ये लोग ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं। कट्टर सोच देश को बर्बाद करेगी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको। इन जैसे लोगों को मत बुलाए, क्योंकि इनकी डिबेट देख के हजारों लोग गुमराह होते हैं। सीधी सी बात ये, क्योंकि यही करते आए हैं और यही करते रहेंगे। एक ने बोला कि ना जाए तो लदे गोड से की, भाई ये इस तरह तुम्हारा लैंग्वेज तुम्हारी ये है, डिबेट के अंदर आके ये बोलते हो तुम, नेशनल टीवी पे बैठे हो, कोई गली नुक्कड़ की भैंसे नहीं चल रही, वहाँ पे आके बकवास कर रहे हो। अपने घर पे करा करो ये सब बकवास करनी है तुम्हें, नेशनल टीवी पे आके हमें मत दिखाओ ये सब चीज़ें। शौक नहीं है तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने का, हमें यहाँ पे आते डिबेट देखने के लिए कि भैया राजनीति में क्या हो रहा है, तुम्हारा पक्ष क्या है, तुम्हारा पक्ष ये है तो हमें नहीं सुनना तुम्हारा पक्ष, अपने घर पे जाके सुनाओ, यहाँ पे मत आके बकवास करो, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। तो भाई इतने बड़े प्रोफेसर बने फिर रहे हो, मुस्लिम स्कॉलर हो तुम, ये है तुम्हारी है? बकवास कर रहे यार आके मतलब। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।